बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और एक आज नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम MS वर्ड के ऊपर कुछ इस्लामी करेक्टर लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम लाइन लिख रहे हैं उसके बीच में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम आया है, तो हम उस नाम के आगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखना चाहते हैं। अल्लाह पाक का नाम आया तो उसे आगे अकबर लिखना चाहते हैं, मोहम्मद लिखना चाहते हैं। इंस्टाग्राम हम MS वर्ड पर कैसे लिखेंगे, ये आज की वीडियो ये इस टॉपिक के ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख रहे हैं हज़रत मोहम्मद, अब इसके आगे मैं प्रॉपर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम लिखना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीका है, मैं किसा लिखूँ? तो उसके लिए मैं सबसे पहले लिखूँगा FDFA, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्लस एक्स प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं ऑल्ट प्लस एक्स को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर FDFA कन्वर्ट हो जाएगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम में। किसी अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ उसके बीच में मुझे अल्लाह लिखना पड़ गया है, मैं अल्लाह लिखना चाहता हूँ, तो वो कैसे लिखूँगा? उसका लिखने का तरीका ये है, मैं दोबारा लिखूँगा FDF2। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अगेन ऑल्ट प्लस एक्स प्रेस करूँगा तो यहाँ पर अल्लाह आ जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं पर मोहम्मद लिखना चाहता हूँ, तो उसका तरीका ये है, मैं FDF4 सेलेक्ट करूँगा। इसको लिखने के बाद मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्लस एक्स प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ आ जाएगा। वो भी बहुत से करेक्टर्स हैं जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इसको लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।